नीतीश बाबू डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते हैं, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। आपको यदि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। मैं जानता हूं आप डरे हुए, क्योंकि आपका जनमत आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, यानी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात कही है, उसके बाद से पूरे देश में इसे लेकर सियासत चल रही है। बात यदि बिहार की करें तो यूं तो यहां कई मसलों पर सियासतदार अपने अपने बयान को दे रहे हैं, लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन पर जहां नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को ना सिर्फ डरपोक बताया है, बल्कि ये तक कह दिया है कि यदि आपके अंदर हिम्मत है तो आप बिहार चुनाव की घोषणा कर दीजिए। जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं और किस प्रकार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों कही, नीतीश कुमार क्यों डरपोक हैं, तमाम बातें। नीतीश बाबू डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते हैं, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। आपको यदि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। मैं जानता हूं आप डरे हुए, क्योंकि आपका जनमत आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है, तो ये उनके जनता के ताकत पर बनी हुई सरकार की ताकत बोल रही है। आपके जैसे डरपोक व्यक्ति, जो राजनीतिक तौर पर चोरी छुपे सरकार बनाने वाले व्यक्ति, ये बात नहीं समझ सकते हैं। आप तो सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि चुनाव में जाएं। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं कि देश के लोग डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं है, जो ताकतवर होता है, जनता के बीच होता है, वही चुनाव की बात करता है। तो सुना आपने सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि नीतीश कुमार डरपोक हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात इसलिए की है क्योंकि उनके पास जनता की ताकत है। जनमत का अपमान कर राजनीतिक तौर पर चोर दरवाजे से सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार केवल सरकार बचाने की बात करते हैं, चुनाव में जाने की उनमें हिम्मत नहीं है। साफ कह रहे थे सम्राट चौधरी कि आप कुर्सी बचाने की बात करते हैं, चुनाव कराने की बात नहीं करते। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर बिहार में यूं तो सियासत चल रही है। तेजस्वी यादव को आपने पिछले दिनों सुना था, उन्होंने क्या कहा। नीतीश कुमार को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा कि हमें तो इस पर डाउट है। नीतीश कुमार बार बार कहते भी रहे हैं कि यह चुनाव पहले हो सकता है लोकसभा का, हालांकि वो मसला अलग है। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में सियासत चल पड़ी है। अब तो देश की बात हम इसलिए कर रहे हैं बार बार आपसे, क्योंकि पूरे देश में गैर भाजपाई दलों की एकजुटता जो है वो सरेआम हो चुकी है। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो विपक्ष का बना है, उसकी तीसरी बैठक, तीसरे दौर की बैठक भी मुंबई में संपन्न हो चुकी है। उसके बाद कई सारी बातें कही जा रही है। नीतीश कुमार ने जहां एकता का दम भरा है, सीट शेयरिंग की बात को उन्होंने कही है और कहा है कि ऐसा कोई मसला नहीं है जो अब हमारे बीच बाधा बन सकेगा, तो वही तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मी चल रही है। लेकिन इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर भी खूब तकरार हो रहा है। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने जो चैलेंज नीतीश कुमार को दिया है, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के खेमे से इसे लेकर क्या जवाब दिया जाता है, सम्राट चौधरी को जवाब कौन आगे बढ़कर देता है और कौन बताता है कि नीतीश कुमार डरपोक नहीं है, नीतीश कुमार चुनाव की घोषणा कर सकते। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।